What's up guys, I hope you all are safe and healthy. A very good morning to all of you from wherever you're watching this video, and welcome back to my channel and welcome back to this fresh new vlog. So today's vlog is going to be like the topic will be related to the vaccination. मतलब मैं दो दिन पहले ही मेरा वैक्सीनेशन मैंने कंप्लीट किया, फर्स्ट डोज. सो उसी के रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ. सो अगर आपने वैक्सीन ले लिया है या फिर आपको वैक्सीन अभी तक लेना बाकी है, फर्स्ट डोज हो गया है, सेकेंड डोज हो गया है, जो भी है वैक्सीनेशन के रिलेटेड, तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि जो छोटी मोटी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, जो मिथ्स है, जो मतलब कुछ अफवाह हम बोल सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो एंड डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. तो जस्ट दो दिन पहले, आई थिंक आज 24th है, 22nd को मैंने मेरा वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक किया था. मतलब मेरा और मेरे वाइफ का, दोनों का, हमने साथ में वैक्सीनेशन लिया, फर्स्ट डोज. सो मतलब मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कोविन वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको आपका अकाउंट का मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अकाउंट बना के, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट वैक्सीनेशन लेने के लिए. तो आइदर आपको तो प्रोसेस पता ही होगा कि कोविन पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं एंड स्लॉट्स कैसे बुक करते हैं. सो यू कैन सिंपली एंटर द पिन कोड ऑफ योर एरिया, और आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज से भी आप वैक्सीनेशन सेंटर्स सर्च कर सकते हो. पहले मुझे 22nd को मैं एक घंटा, मतलब 45 to 60 minutes, एक घंटे तक मैं वही वेबसाइट पर मैं सर्चिंग कर रहा था कि कहाँ पे स्लॉट्स मुझे आसपास, दूर का स्लॉट भी मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. मतलब तो स्लॉट्स वगैरह आप कैसे भी करके बुक आप कर लोगे, आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे. आपको पेड वैक्सीन लेना है तो वो भी सेंटर्स अवेलेबल है. आपको फ्री में लेना है, मतलब फ्री वाला जो PHC प्राइमरी हेल्थ केयर जो हर एक सिटी में, हर एक एरिया में रहता है, आप वहीं से ले सकते हो. वो ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल है लोगों के लिए, क्योंकि जो पेड वैक्सीन है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, उनके रेट्स बहुत ही बहुत ज़्यादा है. आई थिंक 900 एंड 1400 के आसपास ऐसे कुछ तो दोनों वैक्सीन के रेट्स है. मैं बात करना चाहता हूँ जो मिथ्स है, मतलब जो मिसकंसेप्शन है लोगों में, मतलब उनके माइंडसेट में ऐसे पता नहीं ये मिसकंसेप्शन कहाँ से आते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद जो भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो, मतलब जो COVID-19 के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर है. मतलब वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स और कोविड के सिम्टम्स, दिस टू आर सम वॉट सिमिलर टू ईच अदर. सो इसके कारण ही कंसेप्शन ज़्यादा फैल गए लोगों में, तो वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ. अगर आप वैक्सीन लेते हो तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कोई भी आप कोविशील्ड ले लो या फिर कोवैक्सीन ले लो, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको फीवर, मतलब एक या दो दिन, मैक्स टू मैक्स दो दिन आपको फीवर आएगा. वो फीवर माइल्ड भी हो सकता है, एकदम नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल से आगे थोड़ा माइल्ड हो सकता है, फिर माइल्ड से बहुत आगे सीवियर फीवर भी आ सकता है. तो मतलब घबराने जैसी बात नहीं, दिस इज़ जस्ट एन साइड इफ़ेक्ट. सुना है, खुद से सुना है लोगों से कि आप अगर वैक्सीन लेते हो तो आपको COVID-19 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये मुझे पता नहीं लोगों के माइंडसेट में ये कैसे क्या फैल गया है, कैसे क्या बैठ गया है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है दिस. क्योंकि मतलब ऐसा ये लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि जो कि COVID-19 के सिम्टम्स है, फीवर आना, लॉस ऑफ मतलब वीकनेस आना, फीवर आना, थोड़ा सा कफ आना, खांसी आना, ये सिम्टम्स है COVID-19 के. और अगर आप वैक्सीन लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी समवॉट सिमिलर ही है COVID-19 के सिम्टम्स के जैसे. मतलब आपको फीवर आएगा, आपको बहुत वीकनेस आएगा, आपका दोनों हाथ, मोस्ट प्रोबेबली जो लेफ्ट हैंड पे वैक्सीन देते हैं तो वो हैंड, मतलब जो वो वाला हाथ, लेफ्ट हैंड पूरा आपको मतलब पेन होने लगता है, थोड़ा हैवी सा फील होने लगता है, फिर आपके पाँव भी दर्द करने लगते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो पेन होते हैं, आपको थोड़ा सा नौजिया जैसा फीलिंग होता है, नौजिया इन सेंस आपको वोमिटिंग जैसा फीलिंग होता है. हालांकि वोमिटिंग होती नहीं, किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं, डिपेंड्स ऑन द बॉडी. सो और आपको नॉर्मल फीवर आ सकता है, माइल्ड वाला फीवर आ सकता है, या फिर एक्सट्रीम फीवर आ सकता है. तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है वैक्सीन के. सो दिस आर समवॉट सिमिलर टू द कोविड नाइन्टीन वायरस. तो इसके कारण जो मतलब ये थोड़ा सा सिमिलर होने के कारण लोगों में ये मिथ बैठ गया है कि नहीं यार, कैसा हो सकता है.
तो वैक्सीन लेने के बाद ये फीवर आता क्यों है? तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, आई थिंक कोविशील्ड में कुछ डिफरेंट टाइप के डेड वायरसेस कोविशील्ड वैक्सीन में मतलब है, एंड कोवैक्सीन में आई थिंक जो COVID-19 के डेड वायरस है वो कोवैक्सीन में है। तो अगर कोई भी दोनों में से आप आपके बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दिस डेड वायरसेस विच आर गेटिंग इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी। तो ये जो पावरफुल एंटीबॉडीज बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो उन डेड वायरसेस से मतलब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन एक्सप्लेन, लाइक जो भी आपके एंटीबॉडीज़ है बॉडी में अवेलेबल वो डेड वायरस के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इन दिस प्रोसेस जो बॉडी रिएक्शन मतलब बॉडी के ऊपर तो असर हो गए, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोसेस आपको फीवर आ सकता है। तो वही 22 को इवनिंग से मेरे वाइफ को वीकनेस फील होना स्टार्ट हो गया, उसके जॉइंट्स भी पेन होने लगे, उसका हाथ भी काफ़ी हेवी हो गया था जहाँ पे इंजेक्ट किया था वैक्सीन, एंड उसका हेडेक भी स्टार्ट हो गया और थोड़ा सा उसको वोमिटिंग जैसा फीलिंग स्टार्ट होने लगा। तो मतलब हम तो समझ गए कि ये साइड इफ़ेक्ट्स है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये एक या डेढ़ दिन तक रह सकते हैं। तो जैसे ही हम सबका डिनर ख़त्म हुआ उस दिन 22 को नाइट को ही, तो वाइफ को एक्सट्रीम टेम्परेचर आना स्टार्ट हो गया, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया था। हमने थर्मामीटर से मेजर भी किया तो आई थिंक 101 या 102 ऐसा कुछ तो टेम्परेचर था, एंड उसको बहुत मतलब आंख पे कांटे आने लगे, जो हम बोलते हैं कि जब भी ठंडी लगती है तो आंख पे कांटे आते हैं, तो ऐसे कांटे आना उसके बॉडी पे स्टार्ट हो गए थे। उसको बहुत ठंडी भी लगने लगी थी, उसका हेडेक भी हो रहा था और उसको मतलब चक्कर जैसा भी फीलिंग हो रहा था। एंड देन रात में मतलब वहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर पे वहाँ पे उन्होंने पैरासीटामोल दिया ही था एक, उन्होंने कहा था कि आज रात को मतलब आज दोपहर में लिया है तो रात को डिनर करने के बाद ये एक गोली खा लो, आपको प्रॉब्लम मतलब ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए या फिर ना आए आप ये एक गोली खा ही लो। फिर भी उसका मतलब निकिता का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा, उसको वोमिटिंग जैसा फील होने लगा, हेडेक हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था बहुत, एंड जैसे जैसे मतलब रात होती गई उसका जो फीवर है बुखार है जो बहुत बढ़ गया। तो थोड़ा सा मतलब ये पता तो था कि ये बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा एक कॉर्नर में थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये कुछ सीवियर ना हो जाए ऐसा वैसा। तो वाइफ को तो वो साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब जो भी जितने भी लिस्ट आउट किए हैं, जितने भी डॉक्टर्स ने बताए थे, वैक्सीनेशन सेंटर पे बताए थे या फिर नेट पे हमने देखे थे, तो उतने सारे ही सिम्टम्स वाइफ में नज़र आने लगे वैक्सीनेशन के बाद। मुझे तो उस रात तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा वीकनेस मुझे फील हो रहा था, लेकिन मुझे फीवर नहीं था, मुझे कुछ जॉइंट पेन नहीं हो रहे थे, बस लेफ्ट हैंड हैवी हो गया था जहाँ पे इंजेक्ट किया था, बस मुझे ना हेडेक हो रहा था ना कुछ चक्कर वगैरह आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं उस रात तक। अभी वो रात में तो मतलब 22 की रात तो वैसे ही गई, वाइफ को रात भर बुखार था, सुबह तक बुखार था, लेकिन सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करने के मतलब 23 को ब्रेकफास्ट वगैरह किया हम सब ने, तो उसके बाद वापस एक पैरासीटामोल लिया उसने भी और मैंने भी, मैंने सेफ साइड के लिए लेके रखा मैंने, उसका फीवर तो कम हो गया, लेकिन अगले दिन मुझे फीवर बहुत चढ़ गया, मतलब ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू निकिता, उसका फीवर बहुत ज़्यादा था, मेरा उससे थोड़ा कम था, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत फील होने लगा, इतना वीकनेस कि मैं पानी का ग्लास भी जब मैं उठाता था तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बहुत हैवी चीज़ में उठा रहा हूँ, मुझे चेयर पे बैठने का कुछ मन नहीं कर रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं लेटा रहो, हाथ हेवी हो गए थे ज़्यादा करके, लेफ्ट हैंड मेरा बहुत हेवी हो गया था और मैं कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में कर नहीं पा रहा था। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ हम दोनों के साथ वैक्सीनेशन लेने के बाद, अभी ये बस हम दोनों को हुआ, मतलब मेरे फैमिली में हम दोनों को हुआ, मॉम एंड डैड के दोनों डोज ख़त्म हो गए हैं, मतलब उनके तो 3-1 महीने हो गए दूसरा सेकेंड डोज लेके, तो उनको कुछ ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए थे। डैड को तो फर्स्ट डोज के बाद भी कुछ सिम्टम्स नहीं आए थे, हाँ थोड़ा सा हाथ हेवी हो गया था उनका, लेकिन फीवर वगैरह या फिर ऐसा कुछ चक्कर वगैरह आ रहा, नोजिया फील होना, उनको कुछ भी नहीं हुआ, मॉम को भी कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा जो मतलब एक माइल्ड एकदम पॉइंट
पॉइंट सम परसेंट वी कैन से कि थोड़ा सा फीवर मॉम को आया था फर्स्ट डोज के बाद, लेकिन वो बस आई थिंक एक दिन भी पूरा पूरा दिन भी नहीं था, वो थोड़े देर के लिए थोड़े टाइम के लिए ही उसका मतलब मॉम का वैसा फीलिंग था। एंड सेकेंड डोज के बाद तो कुछ सिम्टम्स नज़र आते ही नहीं, ऐसा तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है हम सबका, और स्पेशली मेरा और मेरे वाइफ का, तो कि क्योंकि जो भी सिम्टम्स नहीं साइड इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आए। और कुछ मतलब पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब मोस्टली लेडीज़ वुमेन लड़कियों को औरतों को ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर लेडीज़ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड शुरू है, मतलब वो जो 5 डेज का स्पैन होता है, अगर वो शुरू है और तभी वैक्सीनेशन ले सकते हो क्या? तो येस, आप बिंदास ले सकते हो वैक्सीनेशन, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर मंथली पीरियड्स। सो बस आप अगर फिर भी एक आपको डाउट है तो आप फैमिली डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो फिर मुझे उसके रिलेटेड मतलब प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं, ये मुझे प्रॉपरली नॉलेज नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर आपको अगर वैक्सीनेशन लेना है एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, सो कंसल्ट योर लाइक आपके डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए पहले एंड देन गो फॉर द वैक्सीनेशन ड्राइव। एंड अभी तो प्लस 18 प्लस 30 प्लस 45 प्लस के वैक्सीनेशंस ही शुरू है, जल्द से जल्द ही अभी वो पता नहीं कि वो कब मतलब 18 के नीचे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं टीनेजर्स है, मतलब 18 ईयर्स बिलो के जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हो लड़कियाँ हो, तो उनका वैक्सीनेशन कब शुरू होगा वो तो पता नहीं। लेकिन जब भी उन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का सेंटर्स मतलब ओपन हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाने ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो तो उनके लिए बहुत सेफ्टी है। अगर स्कूल्स वगैरह इन केस कुछ अगले 3-4 महीनों में अगर सिचुएशन अच्छी होती है एंड अगर स्कूल्स शुरू हो जाते हैं, तो स्कूल्स में जाने से पहले आपके बच्चों का वैक्सीनेशन होना, एटलीस्ट फर्स्ट डोज होना तो ज़रूरी है। अभी मुझे पता नहीं कि बच्चों के लिए भी 2 डोज होने वाले हैं या नहीं, तो जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वैक्सीनेशन के रिलेटेड उतनी उतनी इन्फॉर्मेशन और मिलती जाएंगी। लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी उनको मतलब COVID-19 वायरस पॉजिटिव मतलब नज़र आया है, क्या मतलब वो पॉजिटिव हुए हैं COVID-19 के लिए वैक्सीनेशन के बाद भी, तो इसका एक ही रीज़न है कि वैक्सीनेशन हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रिकॉशंस नहीं लेना चाहिए। आपको सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए, आपको मास्क यूज़ करना चाहिए जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाओ, एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करोगे तो वैक्सीन लेके कुछ फ़ायदा नहीं। देखो, वैक्सीन लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन ले लिया तो आप बिंदास कहीं पे भी घूमो विदाउट एनी प्रिकॉशन। जो आपको अभी विदाउट वैक्सीन जो चांसेस ज़्यादा है COVID-19 से इन्फेक्ट होने के, वो वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा बहुत ही कम होता है। तो इन शॉर्ट बस 100 बात की एक बात, वैक्सीनेशन आप करवा लो। अगर किया नहीं होगा, फर्स्ट डोज हो गया है, तो जितने भी आपका जो टाइम स्पैन है बीच में का सेकेंड डोज के लिए, वो ख़त्म होने के बाद जल्द से जल्द सेकेंड डोज भी करवा लो एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस COVID-19 वायरस। मतलब डिले मत करो, अगर स्लॉट्स नहीं मिल रहे तो ठीक है, अगर जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है आउट ऑफ सिटी आपको स्लॉट मिल रहा है तो वैसे भी आप जा सकते हो ड्राइव करके एंड वैक्सीनेट करने के लिए। कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके घर के आसपास या फिर आपके एरिया के आसपास ही आपको स्लॉट्स मिलना चाहिए, जहाँ पे भी स्लॉट मिले आपको, मतलब ज़्यादा भी इतना भी नहीं कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाओ, ऐसा कि 150-200 किलोमीटर, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप किसी काम से अगर दूसरे सिटी में जा रहे हो और वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन मिल रहा है तो वो तो बहुत ही बेटर है। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन वगैरह वगैरह, आलाना फलाना ढिमकाना, ये सब आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, 3 दिन भी मैक्स, बहुत रेयर केस में सुनने में आएगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 दिन बस उतना आपको बेयर करना पड़ेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर पॉसिबल है तो वीकेंड्स पे लेने की कोशिश करो, या फिर फ्राइडे को लेने की कोशिश करो, या फिर सैटरडे, कैसा मतलब अगर सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है तो आपको मतलब आराम करने के लिए मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको रेस्टिंग के लिए। तो अगर नहीं हो सकता है तो वीकडे में भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी अगर आप IT सेक्टर से हो तो आपको तो वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो आप प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली नहीं लेकिन रेस्ट कर सकते हो काम करते समय भी, मतलब लेट के वगैरह मस्त बेड पे लैपटॉप वगैरह लेके आप काम कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टाइम टू रैप अप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अगर आपने अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब,
ऑल्सो वो बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तब। वो आपको अगले वीडियो में। सो टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन, वैक्सीन कर लो जल्द से जल्द एंड अगेन टेक केयर, बाय बाय।